और अब खबर काशीपुर से है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे पर सीएम का बयान सामने आया है। भाजपा में सभी काम तय समय पर होते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है। मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे का काम भी तय समय पर होगा। सभी काम हमारे यहाँ तय समय पर होते हैं, सभी काम हमारे यहाँ तय समय पर होते हैं तय समय पर। और अब खबर रुड़की से है, जहाँ रुड़की में पटाखा गोदाम में लगी आग। रिहायशी इलाके में घर के अंदर चल रहा था गोदाम, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। डेढ़ महीने पहले भी एक पटाखे के गोदाम में आग लगी थी और एक बार फिर से रुड़की में पटाखा गोदाम में आग लगी। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि समय रहते फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया है। पच्चीस अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है, मगर अभी से व्यवस्थाएं चरमराने लगी है। रुद्रप्रयाग के डीएम का कहना है कि मंदिर में दर्शन के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जिससे यात्री आसानी से दर्शन कर सके, मगर अभी तक टोकन व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसी हाल में केदारनाथ धाम की यात्रा चलेगी। मैनेजमेंट व्यवस्था है, क्योंकि पहले ही दिन केदारनाथ जी में मौसम की चेतावनी रही और कई जगह यात्री व्यवस्थित ढंग से जिस प्रकार पंजीकरण हुआ था, फिर पंजीकरण तो अनिवार्य है, लेकिन कोई कैप इस समय नहीं है, पहले कैप थी। तो वर्तमान में जो सॉफ्टवेयर संचालन है उसमें कुछ परेशानी आ रही है, उसके कारण अभी स्लॉट मैनेजमेंट प्रारंभ नहीं किया गया है, लेकिन फिजिकल रूप से यात्रा को अनाउंसमेंट के माध्यम से और वैसे व्यवस्थित किया जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के सवें एपिसोड को भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। 30 अप्रैल को देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी मन की बात के बड़े कार्यक्रम के आयोजित किए जाएंगे। भाजपा ने इसके लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक सभी अलग अलग क्षेत्रों में मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। इधर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब हुए। अजय भट्ट ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में देश के अंदर एक नई मिसाल कायम की है। तो 100वां एपिसोड काफी खास रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। हल्द्वानी में आज मीडिया से मुखातिब हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। भावी पीढ़ियाँ जिस तरह से हम लेखक विचारकों की पूरी थ्योरी को पढ़ते हैं, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या क्या थ्योरी दी और उसके बाद उस पर अमल करते हैं, वो पाथेय बनते हैं, इसी तरह से मन की बात हमारा पाथेय बनने जा रहा है। भारत में ही नहीं, विश्व में भी कई लोग इसको देख रहे हैं और भारतवंशी जहाँ जहाँ हैं वो तो देख ही रहे हैं, साथ में कई राष्ट्राध्यक्ष इसको देखने के लिए उत्सुक हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।